दोस्तों, वेलकम टू डी एस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी एस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू। और दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का या फिर इंडियन पॉलिटी का। तो दोस्तों, हमारी इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है महान्यायवादी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है, इसके अलावा मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, तो इसमें बीच में एक आर्टिकल आया था दोस्तों, आर्टिकल 76 है ना, जिसमें किसका उल्लेख है, महान्यायवादी का। ठीक है, तो मैंने उस टाइम आपको बोला था कि इसको हम अलग से सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम वही कर रहे हैं, महान्यायवादी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर महान्यायवादी होता क्या है। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या प्रमुख वकील। ठीक है दोस्तों, मैंने लिखा भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या फिर प्रमुख वकील। ठीक है, तो दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल होते हैं या फिर जो महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, वो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी या फिर प्रमुख वकील होते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं यदि आपको आसान भाषा में समझाऊं, देखिए जैसे हम और आप या फिर बोलें आम आदमी का एक कोई कोर्ट में केस चलता है, ठीक है, तो वो खुद केस नहीं लड़ सकता। ठीक है, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो थोड़ी जटिल होती है। ठीक है, तो ये केस लड़ने के लिए हम एक वकील करते हैं। ठीक है, और वकील हमारे तरफ से न्यायालय के समक्ष अपना मत रखता है, ठीक है, या फिर केस लड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों भारतीय संघ या फिर भारत सरकार के भी, ठीक है, न्यायालयों के समक्ष अनेक केस चलते रहते हैं, ठीक है, जिनकी पैरवी कौन करता है, महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल। बात समझ में आ रही है, जैसे हमारा और आपका केस एक वकील लड़ता है, उसी प्रकार से भारत सरकार के भी बहुत सारे केसेस चलते हैं। अब वो राज्यों में हाई कोर्ट में भी चल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल सकते हैं। ठीक है, तो उनकी पैरवी कौन करता है, महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हमारा भारत देश इतना बड़ा है, इतने सारे हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट हैं, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट है, इतने सारे हाई कोर्ट हैं, तो महान्यायवादी बस कैसे ये चीज़ें हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि इसके नीचे भी कई अधिकारी होते हैं। ठीक है, जैसे एक तो होता है सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, और एक होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, महान्यायवादी या फिर हम बोले अटॉर्नी जनरल के नीचे भी ये होते हैं, एक होता है सॉलिसिटर जनरल और होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, तो इनकी सहायता के लिए ये लोग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूँ जो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की, ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान में सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में सिर्फ महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है, यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक और बात बता दूं, ठीक है, कि महान्यायवादी की संख्या तो होगी एक ही महान्यायवादी होगा हमारे भारत का। ठीक है, इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान में इनकी संख्या को लेकर भी कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे दोस्तों, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है, इनकी योग्यता क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम बात करें योग्यता की दोस्तों, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता, ठीक है, यदि हम बात करें अटॉर्नी जनरल की योग्यता की, ठीक है, कि क्या योग्यता होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बात आएगी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ आपको एक बात याद रखना है, नियुक्त होने योग्य योग्यता है, ठीक है, ये नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बात बता देता हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता ये होती है, ठीक है, या तो आप 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट या दो से अधिक न्यायालय में क्या रहे हों, न्यायाधीश रहे हों, ठीक है, या करके लिखा है 10 वर्ष तक आप वकील रहे हों, अधिवक्ता रहे हों, ठीक है, वकील रहे हों या फिर अधिवक्ता रहे हों 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में या फिर दो से अधिक न्यायालयों में। ठीक है, इसके अलावा या
राष्ट्रपति की नजर में कानून के जानकार हूं। ठीक है, ये तीन बातें लिखी हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्त होने से संबंधित योग्यताओं के अंतर्गत। ठीक है, या तो आप किसी हाई कोर्ट या दो से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हों। ठीक है, इसके अलावा 10 वर्ष तक आप किसी हाई कोर्ट या दो से अधिक न्यायालयों में वकील रहे हों या फिर अधिवक्ता रहे हों। ठीक है, या एक और कंडीशन है, या फिर आप राष्ट्रपति की नज़र में कानून के जानकार हों। ठीक है, तो ये कंडीशन होती हैं किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये हम आगे भी चर्चा करेंगे जब पढ़ेंगे न्यायालय के बारे में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी योग्यता। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी नियुक्ति के संबंध में। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो दोस्तों इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, परंतु एक बात जानने वाली है। ठीक है, किसके परामर्श पर करेगा? मंत्रिपरिषद के। ठीक है, मंत्री परिषद के। ठीक है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति, या फिर आप प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नियुक्ति के बाद यदि हम बात करें दोस्तों उसका कार्यकाल। ठीक है, तो एक बात याद रखना है हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, महान्यायवादी से संबंध के संबंध में, इसके कार्यकाल के संबंध में। ठीक है, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है कि 5 वर्ष का होगा, 10 वर्ष का होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति कितने भी वर्ष के लिए ठीक है महान्यायवादी बन सकता है, परंतु किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति ठीक है के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति चाहे तो ठीक है किसी को भी कितने भी वर्षों के लिए ठीक है महान्यायवादी बना सकता है। ठीक है, परंतु यहाँ भी वही शर्त है दोस्तों। ठीक है, कि किसके परामर्श पर या किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ठीक है महान्यायवादी पद पर रहता है। इसके कार्यकाल का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, यदि हम बात करें जो हमारे पहले ठीक है महान्यायवादी थे एम सी सीतलवाड़। ठीक है, एम सी सीतलवाड़। ठीक है, ये लगभग 13 वर्ष तक महान्यायवादी रहे थे। ठीक है, तो 13 वर्ष तक क्यों इतना लंबा टाइम? उसका कारण यही है कि कार्यकाल के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, यह 1950 से लेकर के 1963 तक हमारे पहले फर्स्ट ठीक है अटॉर्नी जनरल रहे थे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अटॉर्नी जनरल। तो ये बात आपको याद रखना है, MC सीतलवाड़ ठीक है 13 वर्ष तक हमारे महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल रहे। ठीक है, 1950 से लेकर के 63 तक लगभग 13 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्यकाल हो गए। अब हम मेन चीज में आते हैं, इसका कार्य। ठीक है, इनके कार्य क्या हैं? तो कार्य यदि हम देखें तो सबसे पहले ठीक है भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देना। ठीक है, तो भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देना, इसका पहला कार्य। ठीक है, चूंकि हमारा ये प्रथम या सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, तो इसका फर्ज है कि भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह दे। ठीक है, अब ये विधि संबंधी मतलब देखिए कोई भी ऐसा कानून सरकार ला रही है ठीक है विधि से संबंधित, या फिर कोई भी ऐसी जरूरत पड़ गई कि इससे सलाह की जरूरत, तो भारत सरकार को ये सलाह दे सकता है या भारत सरकार इससे ले सकती है। अब जैसे मान लीजिए अभी हमने 370 हटाई थी मोदी जी ने, ठीक है, तो उसको यदि कानून कैसे हटाई जाए 370, ठीक है, तो ये कानून का भी विषय है, तो उससे संबंधित कोई किसी प्रकार की जानकारी चाहिए है सरकार को, तो वो बिल्कुल अटॉर्नी जनरल से ले सकती है ठीक है सलाह। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट है दोस्तों ठीक है कि यदि राष्ट्रपति को ठीक है किसी प्रकार की सलाह की आवश्यकता है ठीक है विधि से संबंधित या फिर किसी अन्य से संबंधित, ठीक है, तो भी बिल्कुल इससे सलाह ले सकता है ठीक है अटॉर्नी जनरल से। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तीसरा कार्य है ठीक है कि जो महान्यायवादी होता है ठीक है वो भारत सरकार की ओर से ठीक है एक तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट मतलब भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की पैरवी कर सकता है। ठीक है, तो भारत व भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की पैरवी करता है। ठीक है,
क्या बोला मैंने, भारत व भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा भारत है, ठीक है, और हमारे इतने सारे राज्य हैं, ठीक है, सभी राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है, तो इन सभी में जो अटॉर्नी जनरल है या फिर महान्यायवादी हैं वो भारत सरकार की ओर से अपना पक्ष रख सकते हैं। मान लीजिए हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है, कोई ऐसा केस चल रहा है भारत सरकार के विरुद्ध, ठीक है, भारत सरकार का, तो अटॉर्नी जनरल बिल्कुल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं, ठीक है, ये उनका अधिकार है, ठीक है, यही बात कह रहा है, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों इसके कार्य। इसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अब देखिए अनुच्छेद 88, ठीक है, आर्टिकल 88। अब आर्टिकल 88 में दोस्तों ये लिखा हुआ है कि जो हमारे महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, वो संसद के, चाहे कोई भी सदन हो, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं, ठीक है, संसद की जो बैठकें होती हैं, ठीक है, बैठकें होती हैं, अब चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, उसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है, संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं, ठीक है, भाग बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ठीक है, अपना पक्ष रख सकते हैं, ठीक है, बैठ भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा संसद की यदि कोई समिति है, ठीक है, तो उस समिति का सदस्य भी हो सकते हैं वो, ठीक है, ये सारी कंडीशन है, ठीक है। परंतु एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पर वोटिंग का अधिकार इसको नहीं है, ठीक है, वोट देने का अधिकार नहीं है। मैंने क्या बोला, मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 बोलता है, ठीक है, जो हमारे महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, वो संसद के दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, उसमें भाग ले सकते हैं, उसकी बैठकों में भाग ले सकते हैं, ठीक है, अपना मत रख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। परंतु एक बात याद रखना है, वो वोट नहीं दे सकते, ठीक है, वोट देने का अधिकार उनको नहीं है। और यदि संसद की कोई भी समिति है तो उसके मेंबर भी वो हो सकते हैं, ठीक है, और अपनी सलाह भी दे सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं। एक और बात दोस्तों आपको याद रखना है, जो इसके वेतन भत्ते होते हैं, ठीक है, इसके वेतन का निर्धारण करने का जिम्मा किसके ऊपर है, राष्ट्रपति, ठीक है, इसके वेतन भत्ते वगैरह जो होते हैं उनका, इसके निर्धारण का जो कर्तव्य है वो राष्ट्रपति का है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति देखते हैं, आपको एक बात का याद रखना है। इसके अलावा एक और बहुत ही अहम बात जानने वाली है दोस्तों, जो महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, चूँकि वो सरकार के वकील हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, ठीक है, कि क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को, ठीक है, कोई निजी व्यक्ति है, ठीक है, इसको कोई, मतलब महान्यायवादी को कोई निजी केस मिलता है, ठीक है, मान लीजिए मैंने, मुझे कोई अपना केस लड़ना है, ठीक है, तो मैं यदि बोलूँ महान्यायवादी से, ठीक है, तो क्या वो मेरा केस लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि महान्यायवादी, ठीक है, कोई प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बिल्कुल उनको अधिकार है, ठीक है। परंतु एक बात आपको याद रखना है कि यदि वो कोई प्राइवेट केस लड़ते हैं तो उन्हें भारत सरकार से सलाह, मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यदि कोई प्राइवेट केस आता है महान्यायवादी के समक्ष और वो लड़ना चाहें तो बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं भैया फलाने फलाने का केस लड़ रहा हूँ, ये केस ये है। अब इसमें एक कंडीशन और है, ठीक है, परंतु जो केस होगा वो भारत सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहिए। यदि वो केस भारत सरकार के खिलाफ है, ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल केस नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि महान्यायवादी पद पर रहते हुए भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी दोस्तों। तो महान्यायवादी के बारे में दोस्तों इतनी बातें हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा चलते हैं आर्टिकल 165, ठीक है। अब देखिए जो जो मैंने यहाँ पे महान्यायवादी के बारे में बताया, ठीक है, यही सब बातें दी गई हुई हैं। राज्यों में होते हैं महाधिवक्ता, है ना, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। जैसे दोस्तों केंद्र सरकार में होता है महान्यायवादी, उसी प्रकार से होता है राज्यों में महाधिवक्ता, ठीक है। तो देखिए इसका आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 में राज्यों के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब सेम चीज़ें महाधिवक्ता पर भी लागू होती हैं, जो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये भारत सरकार या फिर केंद्र में काम करता है, ये राज्यों में काम करते हैं, ठीक है। हर राज्यों के अपने महाधिवक्ता होते हैं। अब जहाँ जहाँ मैंने आपको राष्ट्रपति बताया, वहाँ वहाँ राज्यपाल जी आ जाएंगे, ठीक है। आपको पता होगा राज्यों में राज्यपाल होते हैं, है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ राष्ट्रपति बताया वहाँ वहाँ राज्यपाल, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारे महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है। यदि वर्तमान में हम बात करें कि हमारे जो महान्यायवादी हैं वो कौन है, तो उनका नाम है के वेणुगोपाल,
वेणुगोपाल, ठीक है, के वेणुगोपाल हमारे महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो तुषार मेहता है ना, तुषार मेहता कौन है, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताए थे कि MC तलवार जो है पहले हमारे महान्यायवादी थे, ठीक है, लगभग 13 वर्षों तक हमारे भारत के पहले महान्यायवादी थे, 1950 से लेकर 1963 तक, ठीक है, तो ये भी बता दिया मैंने आपको। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए जो हमारे मध्य प्रदेश हैं, ठीक है, वो आप मुझको कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश के जो महाअधिवक्ता हैं वो वर्तमान में कौन हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बातें थी दोस्तों, इसके अंतर्गत मैंने लगभग सारी चीज़ें आपको कवर कर दी हैं, ठीक है, हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों हमारे साथ आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे जो भी हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। और दोस्तों यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप एक कमेंट जरूर मार दीजिए, क्योंकि इससे क्या हमारा थोड़ा मोटिवेशन या फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, कि हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी थोड़ा हमारा साथ दीजिए और एक कमेंट जरूर मार दें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।